आपका वेलकम है इस चैनल पे तजमल सर। अगर आपने अभी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब करने से ही आपको इसके अपडेट्स मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। हमें इन दो इक्वेशंस का ग्राफ डालना है। तो ग्राफ डालने के बाद वहाँ एक्सिस पे एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगुलर ट्रायंगल टाइप बनेगा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे उसको शेड करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो पहले स्टेप में हमें देखना है कि इन दो इक्वेशंस का हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और इन दो के ग्राफ कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से हम एक्स को निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, वाई को मैंने राइट साइड में लाया। तो अब हम यहाँ से वाई को वैल्यूज देंगे और एक्स के वैल्यूज निकालेंगे। पहला पॉइंट हम देंगे y इज इक्वल टू जीरो, तो x क्या निकलेगा, माइनस वन, y जीरो, x इज माइनस वन। अब सेकंड पॉइंट में y इज इक्वल टू वन, y की जगह पर वन, माइनस वन, x इज जीरो, y इज वन। अब y हम माइनस वन देंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन, y की जगह पर माइनस वन दिया मैंने, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, वाई इज माइनस वन, एक्स इज माइनस टू। इस तरह से हमने पहले इक्वेशन के ग्राफ पॉइंट्स निकाले। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू, ये माइनस ट्वेल्व जब राइट साइड में हम करेंगे इसको प्लस ट्वेल्व, और माइनस प्लस टू वाई को राइट साइड में बन जाएगा माइनस टू वाई। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू वाई डिवाइड बाय थ्री। अब हम यहाँ से वाई के वैल्यूज देंगे और एक्स के वैल्यूज निकालें। पहला पॉइंट हम देंगे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स क्या निकलेगा, ट्वेल्व माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 0 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया हमारा 12 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3, 1 इज 3, 4 इज 12, 4, वाई 0, एक्स इज 4। तो इसके बाद हमें देना था वाई इज इक्वल टू 1, उस पर भी नहीं निकलता है, फिर देना था माइनस 1, उस पर भी नहीं निकलता है, फिर टू उस पे भी नहीं निकलता है होल नंबर, तो उसके बाद माइनस टू उस पे भी नहीं निकलता है। इनको मैंने चेक करके रखा है, इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है हमारा दैट इज़ वाई इज इक्वल टू थ्री, इस पे निकलता है। आप भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली इसको लिखना, इसको याद रखना पॉइंट्स को, तो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू ट्वेल्व माइनस टू थ्री विच इज इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री टू ज़ार सिक्स डिवाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सिक्स इज सिक्स डिवाइड बाई थ्री, थ्री वन ज़ार थ्री टू ज़ार सिक्स। इट मीन्स वाई इज थ्री, एक्स इज टू, वाई थ्री एंड एक्स टू। इसके बाद वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस टू इंटू माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस थ्री टू ज़ार सिक्स विच इज इक्वल टू 18, 12 प्लस सिक्स थ्री सिक्स ज़ार 18, 6। वाई इज माइनस थ्री, एक्स इज सिक्स। अब हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारा ग्राफ पेपर और ये हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस, आप ग्राफ पेपर के सेंटर में डालना एग्जाम में।
तो इसके बाद अब हम इन दो बॉक्स को देखेंगे। एक्स का पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इसमें ज़ीरो, इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है। एंड सेकंड इक्वेशन में एक्स का हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज़ सिक्स। इट मीन्स एक्स के पॉजिटिव इस साइड में होते हैं, एक्स के साइड में सिक्स या सिक्स से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज आने चाहिए। तो मैं इस पर ड्रा करूँगा सिक्स पॉइंट्स। तो इसके बाद अब एक्स के नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस टू, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोई नेगेटिव नहीं है। इट मीन्स माइनस टू या माइनस टू से ज़्यादा, तो एक्स के नेगेटिव इस साइड में, इस पे माइनस टू आने चाहिए, माइनस टू से ज़्यादा। मैंने माइनस फोर तक लिया। अब हम वाई की वैल्यूज चेक करेंगे। वाई का पॉजिटिव हाईएस्ट फर्स्ट इक्वेशन में वन, सेकेंड इक्वेशन में थ्री। इट मीन्स वाई के पॉजिटिव साइड में हाईएस्ट वैल्यू थ्री आना चाहिए, थ्री से ज़्यादा पॉजिटिव। मैंने फाइव तक लिया, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, जो हमने पहले यहाँ दो दो लाइन्स के बाद लिया एक पॉइंट, दो दो लाइन्स के बाद, इस साइड में भी दो दो लाइन्स के बाद ही लेना है, दो दो लाइन्स के बाद, और इस साइड में भी दो दो लाइन्स के बाद नहीं लेना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है। अब वाई के नेगेटिव फर्स्ट इक्वेशन में माइनस वन, सेकेंड इक्वेशन में माइनस थ्री। इट मीन्स वाई के नेगेटिव साइड में थ्री या थ्री से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये मैं लिखता हूँ थ्री तक। अब हम पॉइंट्स चेक करेंगे। पहले इक्वेशन एक्स इज माइनस वन, वाई इज ज़ीरो। तो ग्राफ ये आएंगे, एक्स इज माइनस वन, इट मीन्स ये है माइनस वन, एंड वाई इज ज़ीरो, ये है ज़ीरो, दोनों का ज़ीरो ये, एक्स इज माइनस वन, ये लाइन ऐसे आएगी, माइनस वन की लाइन, ये दोनों कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ये हमारा पहला पॉइंट है, एक्स इज माइनस वन एंड वाई इज ज़ीरो, ये लिख के रखना है आप। सेकंड पॉइंट, एक्स इज ज़ीरो, वाई इज वन, एक्स का ज़ीरो ये है एंड वाई इज पॉजिटिव वन इस साइड में, यहाँ पर ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। यह हमारा सेकंड पॉइंट आया, एक्स इज ज़ीरो, वाई इज प्लस वन। अब थर्ड पॉइंट, एक्स इज माइनस टू, वाई इज माइनस वन, एक्स इज माइनस टू, ये एक्स के माइनस नेगेटिव वैल्यूज, एंड वाई इज माइनस वन, ये वाई के नेगेटिव वैल्यूज, ये लाइन माइनस वन की लाइन, ये माइनस टू की लाइन, ये दोनों कट कर रहे हैं इस पॉइंट। एक्स इज माइनस टू एंड वाई इज माइनस वन। तो ये आ गई हमारे तीन पॉइंट्स पहले इक्वेशन की। ये एक सीध में आना चाहिए, अगर ये सीध में नहीं आएंगे तो आपकी ये कैलकुलेशन फिर गलत है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स एक सीध में आने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। तो चलो अब हम ज्वाइन करते हैं इनको। ये हमारे पहले इक्वेशन का ग्राफ। अब हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आएंगे। एक्स इज, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, एक्स इज फोर, वाई इज ज़ीरो। एक्स इज फोर, इट मीन्स फोर, ये फोर है, वाई ज़ीरो, ये है ज़ीरो वाई का, ये पॉइंट यहाँ पर ये कट कर रहे हैं। एक्स इज फोर एंड वाई इज ज़ीरो, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्स इज टू, वाई इज थ्री। एक्स इज टू, इट मीन्स दिस इज टू, ये टू, एंड वाई इज थ्री, वाई का थ्री, ये देख लीजिए, ये वाई का थ्री, थ्री की लाइन ऐसे, टू की लाइन ऊपर जाती है, ये दोनों कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री। तीसरा पॉइंट, एक्स इज सिक्स एंड वाई इज माइनस थ्री। एक्स इज सिक्स, ये है एक्स सिक्स, एंड वाई इज माइनस थ्री, ये है वाई माइनस थ्री, ये लाइन ऐसे जाती जाएगी इस साइड में आ रही है, तो ये सिक्स की लाइन ऊपर से, ये दोनों कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। इट मीन्स एक्स इज सिक्स एंड वाई इज थ्री। तो ये पॉइंट्स भी हमारे एक सीध में आ रहे हैं लाइन, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। तो इन दो लाइन्स ने कट किया टू थ्री पे, इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन इसका टू थ्री है, वो हमें नहीं बताना है, हमें इस वाले पोर्शन को शेड करना है। ये एक्स एक्सिस की ये ट्रिंगल जो बन रहा है, इसको हमने शेड करना है। तो चलिए हम इसको शेड करते हैं। ये किया हमने शेड,
इस पोर्शन को, यही ये क्वेश्चन में बता रहा था कि उस पोर्शन को शेड एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये हमने शेड किया ट्रायंगुलर रीजन को। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।